नमस्कार दोस्तों, यू डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो बन सकते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसके बारे में। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि जो जोड़े दिए गए हैं इनमें से आपको कंसिडर करना है। पहला है द मून, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो बिग स्प्लिट थ्योरी के बारे में कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन और दूसरा जो पेयर है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से। तीसरा जो है एवोल्यूशन ऑफ अर्थ नेबुला हाइपोथेसिस, यानी कि जो पृथ्वी का विकास है उसको नेबुला की परिकल्पना के आधार पर परिभाषित किया गया, यानी उससे रिलेटेड जो सिद्धांत है वो नेबुला परिकल्पना है। उसके बाद में चैम्बरलेन और मेल्टन, यानी कि जो का जो सिद्धांत है, चैम्बर और मेल्टन जो थे एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है वो वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस, यानी घूमते हुए स्टार की कहानी के बारे में बताया गया है। तो इन चारों में से जो पेयर्स दी गए हैं उनमें कौन कौन सी पेयर्स सही हैं उनके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो पहली पेयर जो मून के बारे में बताती है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया क्या, तो बिग स्प्लिट थ्योरी, इसके माध्यम से मून का फॉर्मेशन हुआ, तो इससे रिलेटेड थ्योरी ये सही है। ओरिजिन ऑफ इनवर्स बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुआ। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के लिए नेबुला हाइपोथेसिस काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, और इनके द्वारा यानी कि जो चैम्बरलेन और मेल्टन थे इनके द्वारा वंडरिंग स्टार हाइपोथेसिस को दिया गया था, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दो है, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला जो कथन है वो कह रहा है कि इपोच पीरियड एरा एंड इकोन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि युग अवधि एरा और इयान भूगोलिक जो समय स्केल है उसका सही क्रम है। दूसरा कह रहा है कि द इकॉन इज द ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, यानी जो इकॉन है वो भूगर्भिक समय की श्रेणी का सबसे बड़ा भाग है। और तीसरा कह रहा है कि पीरियड जो है ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम आर सब डिवाइडेड इंटू इपोच, यानी कि जो पीरियड दिया गया है उसको मतलब कि युगों में सब विभाजित किया जा सकता है। तो इन तीनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है इसका आपको चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जो ऑर्डर है इपोच एरा और इकॉन, इनका करेक्ट ऑर्डर क्या है और ये सही हैं या गलत हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज जो ऑर्डर दिया गया है वो सबसे ब्रॉडेस्ट जो होता है वो इकॉन होता है, इकॉन के बाद एरा होता है, जैसे कि आप मेसोजोइक, सेनोजोइक और पेलियोजोइक एरा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। एरा के बाद में आपका पीरियड आता है, पीरियड में जैसे सेनोजोइक एरा की बात की जाए तो उसमें क्वार्टनरी, नियोजन और पेलियोजन एरा जो हुए थे यानी पीरियड हुए थे वो सारे आते हैं। फिर उसके बाद में आपका इपोच आता है, तो यानी कि जो ऑर्डर यहाँ पे दिया गया है वो पूरी तरह से रिवर्स ऑर्डर दिया गया है, इसलिए आपका स्टेटमेंट वन गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो इकॉन है वो ब्रॉडेस्ट कैटेगरी ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, तो ये आपका सही हो जाता है। दूसरा जो पीरियड है वो सब डिवाइडेड होता है, पीरियड के बारे में जैसे कि आपको बताया गया कि जैसे सेनोजोइक एरा की बात की जाए तो सेनोजोइक एरा तीन भागों में बंटा हुआ था। सेनोजोइक एरा के तीन भागों की बात की जाए तो सबसे पहले क्वार्टनरी था, फिर नियोजन था, फिर पेलियोजन था। तो नियोजन, पेलियोजन एंड क्वार्टनरी ये तीनों जो हैं सेनोजोइक एरा के सब डिवीजन है, तो जो पीरियड होता है वो तीन भागों में डिवाइड हो सकता है, उसको उसका सब डिवीजन किया जा सकता है, और जो उसका सब डिवीजन होता है उसी को इपोच कहा जाता है। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट थ्री भी करेक्ट है, तो जो आपका आंसर होगा आपके आंसर में टू एंड थ्री, यानी दो और तीन आपके विकल्प सही होंगे, इसका हिंदी रूपांतरण इधर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीन, प्रश्न संख्या तीन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, जो आपके सामने प्रोसेसेस दिए गए हैं इनको आपको कंसीडर करना है। पहला है जो सोलर विंड, यानी जो सौर हवाएँ हैं वो क्या हैं, उसके बाद में गैस का निष्कासन यानी डीगैसिंग प्रोसेस जो होता है वो, और उसके बाद में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है,
तो इसके आधार पे आपको ये बताना है कि विच ऑफ द एबव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फियर, यानी कि वर्तमान जो आपका एटमॉस्फियर है, जो वायुमंडल है, उसके फॉर्मेशन में इन तीनों प्रोसेसेस में से कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो अगर देखा जाए कि जो प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर है, ये पूरी तरह से कॉम्बिनेशन है ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, 71% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 27% पाई जाती है, बाकी रिमेनिंग 3% में सारी गैसेस आती हैं। तो उस कंडीशन के लिए अगर सोलर विंड की बात की जाए, तो सोलर विंड के बारे में अगर देखा जाए तो वो भी इसके फॉर्मेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अर्ली एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम का कंपाउंड बन जाता है, और वो इस तरह से स्टक डाउन होता है, जो कि जिसका रिजल्ट सोलर विंड के माध्यम से बनता है। दूसरा जो है आपका डीगैसिंग प्रोसेस भी, जो इंटीरियर आपका इंटीरियर अर्थ में जो मैग्मा का मोल्टिफिकेशन हुआ था, उसके बाद डीगैसिंग प्रोसेस के माध्यम से वो धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो डीगैसिंग प्रोसेस भी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर को बनाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। और उसके बाद में फोटोसिंथेसिस, आप जानते ही हैं कि जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से जो आपका आंसर है वो सारे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो सारे ऑप्शंस आपके सही हो जाते हैं। क्यों सही हो जाते हैं? क्योंकि जो प्रोसेसेस यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है उसको बनाने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या चार कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द कोलिजन ऑफ पार्टिकल लेड द फॉर्मेशन ऑफ अ डिस्क शेप क्लाउड एंड प्लैनेट वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसरेशन, यानी कि जो कणों का आपस में टकराते हैं उनसे एक डिस्क का निर्माण होता है, डिस्क जैसे बादल का निर्माण होता है, और इन्हीं की अभिवृत्ति के कारण ग्रहों का निर्माण होता है, इस तरह से। फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट वर फॉर्म्ड इन द क्लोज विकनिसिटी ऑफ द प्रेजेंट स्टार वेयर इट वॉज टू वार्म ऑफ गैसेस एंड कंडेंस टू सॉलिड पार्टिकल। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में सबसे पहले कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ये करेक्ट है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू नेवलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन और कोलिजन अगर किसी भी पार्टिकल के मध्य में होता है तो वो किस एक डिस्क शेप्ड क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, और जब इनके बीच में कोलिजन होता है, ये आपस में किसी पुल के द्वारा, किसी ग्रेविटेशनल पुल या किसी फोर्स के द्वारा दूर हटते हैं, तो इनके द्वारा प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, और वो उस पूरे प्रोसेस को एसरेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेवलर हाइपोथेसिस के द्वारा ये भी बताया जाता है कि जो प्लैनेट होता है वो एक क्लाउड मटेरियल है जिसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, जो सन से टूट कर उनका फॉर्मेशन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट जो पहले चार प्लैनेट हैं जिसमें कि आपका मंगल, बुध, पृथ्वी, ये सारे चीज आते हैं, तो उनको टेरिस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। टेरिस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब होता है कि अर्थ लाइक शेप, यानी कि जिसके पास में अर्थ लाइक रॉक एंड मटेरियल हो, वो टेरिस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं। तो जो उनकी विग्निसिटी होती है प्रेजेंट स्टार के जैसी होती है, और उनमें जो गैस होते हैं वो उनके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो गैसेस गर्म कर सकती हैं। तो इस तरह से आपके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या पाँच है। प्रश्न संख्या पाँच कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि पृथ्वी की असमान सतह के लिए पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतियाँ जिम्मेदार हैं, यानी कि जो वर्टिकल जो शेप है, यानी अनइवन सरफेस ऑफ अर्थ, ये किसके द्वारा है? उसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ के, जो यानी कि पृथ्वी की जो गतियां हैं, जो हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज हैं, उन्हीं के कारण उसकी सतह इस तरह से अनइवन है, यानी कि उस पर गड्ढे और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि एंडोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड वेयरिंग फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस, यानी ये दोनों जो कंट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इन दोनों स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो फर्स्ट ऑफ अगर देखा जाए कि जो अर्थ है उसका क्रस्ट यानी जो ऊपरी सतह है वो काफ़ी डायनेमिक नेचर में है। वो अगर उसके मूवमेंट के बारे में बात की जाए तो वो
थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, उसका मूवमेंट लगातार बढ़ता जाता है और कुछ 1.5 सेकंड के वो मिलीमीटर के अकॉर्डिंग वो ईयरली बढ़ता है। और उसके बीच में जो उसके इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो उसको एक्टिवेट करते रहते हैं, उनकी इंटेंसिटी को डिफर करते रहते हैं, और जिसके बिहाफ पे उनके बीच में हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट होता है। और उस हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट के कारण जो पृथ्वी की भूपरपटी होती है उसमें मतलब कि या तो कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद में कंस्ट्रक्टिव चीज़ें बनेंगी, अब अगर कोलिजन नहीं होता तो वहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं, तो उस कंडीशन में जो सतह है कहीं गड्ढे बन जाते हैं, यानी कहीं समुद्र का फॉर्मेशन हो जाता है और कहीं पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो इस दशा में जो उनका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ है वो रिस्पॉन्सिबल है अन इवन सर्फेस ऑफ अर्थ का। दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो इंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं वो मेनली लैंड वियरिंग फोर्सेस होते हैं, यानी और जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं वो लैंड बिल्डिंग फोर्सेस होते हैं, यानी एक्सोजेनिक प्रोसेस के द्वारा नई चीज़ों का निर्माण होता है और इंडोजेनिक फोर्सेस के द्वारा में जो भूमि के अंदर बल होते हैं वो धारण करने वाले बल होते हैं। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिविटी एंड रेशनल रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शंस आर इंडोजेनिक फोर्सेस, यानी रेडियो धर्मिता जो है उसके बाद में रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शंस जो होते हैं यानी जो घर्षण होते हैं वो इंडोजेनिक बल होते हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल द प्रोसेसेस दैट मूव इवैक्यूएट आर बुल्ड अप द पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट कम अंडर द डायस्टोफ्रिज्म के अंतर्गत आते हैं वो, यानी कि वो सभी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से पृथ्वी के कुछ हिस्सों को बढ़ाने यानी बनाने का, उनके मूवमेंट का, उनके इवैक्यूएशन का, उनके बुल्डअप का कार्य होता है वो डायस्टोफ्रिज्म के अंतर्गत आता है, यानी जो प्रोसेस होता है उसको डायस्टोफ्रिज्म के नाम से जाना जाता है। तीसरा है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे बताना है। तो इसमें से जो आपका अगर ऑप्शंस के बारे में देखा जाए तो पहला ऑप्शन है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें से कौन से सही हैं? तो जो रेडियो एक्टिविटी है एंड रोटेशन, ये जो चीज़ें हैं रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शंस हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत आते हैं कि ना कि इंडोजेनिक फोर्सेस के अंतर्गत, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा ऑल द प्रोसेसेस दैट मूव इवैक्यूएट एंड बिल्ड अप द पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट कम अंडर द डायस्टोफ्रिज्म, ये भी आपका सही हो जाता है। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। एक्सोजेनिक की बात की जाए जो जहाँ पर जैसे कि बताया गया रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन टाइडल फ्रिक्शंस आर एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस आर वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन की, बिकॉज अगर रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो ये भी कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है, रोटेशनल की बात की जाए, टाइडल फ्रिक्शंस की बात की जाए तो ये भी चेंजेबल होते हैं। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन है बी वो सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टार। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू हैव टेक प्लेस सम अराउंड 5 to 6 million ईयर अगो, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा द इनिशियल डेंसिटी जो है डिफरेंस इन अर्ली इनवर्स इज द कोर रीजन फॉर द स्टार फॉर्मेशन, जो इनिशियल डेंसिटी थी के बीच में जो डिफरेंसेस था यूनिवर्स के वो उसका मुख्य कारण है तारों के निर्माण में। तो इसमें से कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन सी लाइन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं? तो इसमें बी यानी कि आपका जो स्टेटमेंट दूसरा है वो सही है, क्योंकि बात की जाए अगर जब फॉर्मेशन ऑफ स्टार उसको बनने के लिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब जो बिग बैंग थियरी थी उसके अकॉर्डिंग जो उसका एक्सप्लोजन हुआ था तो वो 5 से 6 मिलियन वर्ष पहले किया गया था, तो जिसके द्वारा स्टार का फॉर्मेशन हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है द इनिशियल जो डेंसिटी है डिफरेंस इन अर्ली यूनिवर्स द कोर रीजन, तो
यूनिवर्स का बनने का कोर रीजन ये नहीं था, डेंसिटी डिफरेंसेस नहीं थे, उसमें टाइम स्केल के अकॉर्डिंग था। जब बिग बैंग थ्योरी हम लोग देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से उसको देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, कौन कौन से उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस हैं, तो उनके माध्यम से। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उपरोक्त में से कौन से गलत हैं, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के रेफरेंस में आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो सबसे पहला है कि ऑल द प्लैनेट वर फॉर्म्ड इन द सेम टाइम ऑफ पीरियड। पहला स्टेटमेंट है कि जितने सभी ग्रहों का निर्माण एक ही समय पर हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट है द सोलर सिस्टम इज द ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है जो एस्टेरॉयड बेल्ट विच लाइज बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर मोस्टली कंटेन ऑब्जेक्ट कंपोज लाइक द टेरिस्ट्रियल प्लानट रॉक एंड मेटल। तो ये तीन स्टेटमेंट हैं। तीनों स्टेटमेंट का सबसे पहले हिंदी रूपांतरण देख सकते हैं। तो जो सभी ग्रह हैं उनका निर्माण एक ही समय पर हुआ था। दूसरा कह रहा है कि सौर मंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है, और इसमें या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करने वाले पिंडों को पाया मिलते हैं इसके अंतर्गत। दूसरा जो है क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाया जाता है, और ज़्यादातर स्थलीय ग्रहों को रॉक और इसमें बने रहते हैं। तो स्टेटमेंट 3 पूरी तरह से सही है। दूसरा स्टेटमेंट आपका आता है जिसमें आपका कहा गया है कि सभी ग्रहों का निर्माण एक ही समय पर हुआ था, तो ये भी आपका सही हो जाता है। और जो सूर्यमंडल यानी सौर मंडल है वो पूरी तरह से एक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली है, तो इसके अंतर्गत ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल सिस्मिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। जितनी भी भूकंपीय तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, और इनके प्रसार के लिए इनको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है कि दियर बिहेवियर चेंज विद द चेंज इन द मीडियम। अगर उनके व्यवहार में जो उनका मीडियम है जिस माध्यम में ये प्रोपोगेट हो रही है, अगर उसमें कुछ चेंज किया जाता है तो इनके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। इसके आधार पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो सिस्मिक वेव होती हैं वो पूरी तरह से मैकेनिकल वेव होगी, यांत्रिक तरंगें होती हैं, और इनके प्रसार को बिना माध्यम के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि ये यांत्रिक तरंगें क्यों होती हैं, क्योंकि जो आपका ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में जो पी और यस वेव्स जनरेट होती हैं इन्हीं को सिस्मिक वेव कहा जाता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है बिना माध्यम के ये हो ही नहीं सकती। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। और अगर मीडियम चेंज हो जाता है, जैसे आप जानते हैं जो कोर वाला पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, ये लिक्विड फॉर्म होम में होता है, तो यहाँ पर पी और एस जो वेव्स होती हैं उनका जो व्यवहार होता है अलग अलग होता है। इस दशा में इनके ऊपर जो माध्यम होता है, माध्यम के ऊपर भी ये सिस्मिक वेव डिपेंड होती हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट आपका सही होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 10 है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है एक्सपेंशन ऑफ स्टार ड्यू टू हाइड्रेशन एंड सेलिस्टेशन इज अ फिजिकल वेदरिंग, यानी कि हाइड्रेशन और क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से, ये आपके इस पार्ट का इसका पार्ट नहीं है तो, लेकिन इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो एक्सपेंशन ऑफ साल्ट यानी जो लवण होता है, लवण का विस्तार ड्यू टू हाइड्रेशन यानी हाइड्रेशन के कारण, और क्रिस्टलाइजेशन उनका जो हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन होता है लवण का, वो एक भौलिक अपक्षय है यानी कि फिजिकल वेदरिंग है। दूसरा, वेदरिंग इज अ इन सीटू प्रोसेस, यानी कि इन सीटू का मतलब होता है कि वेदरिंग जो है जिस स्थान पर किसी वस्तु को रख दिया गया है, जो भी उसमें फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो सेम पोजिशन में सेम स्थान पर आ रहा है, तो उसको इन सीटू प्रोसेस कहा जाता है। तो वेदरिंग इज अ इन सीटू प्रोसेस, यस ये आपका करेक्ट है। दूसरा, जो फ्रॉस्ट होता है, फ्रॉस्ट वेदरिंग इज अ केमिकल वेदरिंग। फ्रॉस्ट वेदरिंग जो होती है वो एक रासायनिक अपक्षय नहीं है, ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो ये आपका गलत हो जाता है। क्योंकि फ्रॉस्ट वेदरिंग जो होती है वो एक अपक्षय यानी केमिकल वेदरिंग होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट पहला। और दूसरा आपका सही स्टेटमेंट होता है। इस तरह से आपका जो ऑप्शन है ए सही हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, ख़त्म होता है आज का सीरीज। कल सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण MCQ's बन सकते हैं उनको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। धन्यवाद।